जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए पासवे बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चेल जीवन संसार में दोस्तों आप जानते हैं कि अगर जिस भी व्यक्ति को जीव हो जाती तो वो उसके लिए एक शर्मिंदगी का कारण बन सकती है और साथ में ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके फैलने से या फिर आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है तो उसको भी प्रभावित कर सकती है खासकर इसको देखा जाता है तो छोटे बच्चों में देखा जाता है और इसका जो मेन रीज़न होता है वो गंदगी होती है आपके अगर बाल आप ध्यान से धोते नहीं या फिर इस तरीके की गंदगी के कारण हो सकते हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको जू की प्रॉब्लम है खासकर बच्चों में जो रीज़न होता है तो इसको प्रॉब्लम को देखा जाता है जू रहती है या फिर लीच रहती है, लीक होती है तो ये आपके जो सर है या फिर आपके जो ब्लड है उसको सक करती है या आपके ब्लड को चूसती है और कभी कभी ये आपके सर पे किसी तरीके के घाव का भी कारण बन सकती है और साथ में ये आपकी जो सर है उसमें और बढ़ती जाती है अगर आप इसका समय रहते इलाज ना करें तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक सिंपल सा नुस्खा लेके आए घरेलू नुस्खा आयुर्वेदिक नुस्खा अगर आप इसका यूज़ करेंगे कुछ दिन तो आप देखेंगे आपकी जो जू की पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी और आपके किसी भी तरीके के अगर दूसरे भी बैक्टीरिया फंगस इन्फेक्शन है तो उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों बात करते हैं इस नुस्खे के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ये लेना नीम का तेल क्योंकि नीम का तेल काफ़ी बेनिफिशियल रहता है इस तरीके की प्रॉब्लम में क्योंकि इसमें काफ़ी एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टी रहती है एंटी फंगल प्रॉपर्टी रहती है तो ये किसी भी तरीके की जो ये जू या लीक टाइप की प्रॉब्लम रहती है उसमें काफ़ी असरकारक रहता है उन चीज़ों को लड़ने में मारने में और हटाने में इसके साथ में दोस्तों आपको एक चम्मच आप नींबू का तेल नींबू का रस ले लीजिए ये आप आपके बालों के हिसाब से ले लीजिए आप मेल है फीमेल है आपके बाल कितने बड़े उस हिसाब से एक से दो चम्मच तेल ले लीजिए उसी तरीके से आप एक से दो चम्मच आप नींबू का रस ले लीजिए और आप इसको अच्छे से मिला लीजिए और साथ में आप इसके दोस्तों जो कपूर होता है आप उसका चूरन इस तरीके से कपूर को पीस लीजिए और इस तरीके, तरीके से आप डाल लीजिए देखिए इस तरीके से आपको कपूर की गोली मिल जाएगी बाजार में इजीली तो आप ये जो गोली रहती है आप एक या दो गोली को तोड़ लीजिए अपने हेयर की साइज़ के हिसाब से और इस तरीके से इसमें मिला लीजिए अभी दोस्तों आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये पूरी तरीके से नेचुरल भी है और काफ़ी असरकारक है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फंगस या फिर लीक इस टाइप की चीज़ों से पैरासाइट्स हैं तो इन सब से लड़ने में आपको काफ़ी हेल्प करती है अब आप इसको सिंपल सा आपको जब आप इस तरीके का मिक्सचर बना लें और अच्छे से मिक्स कर लें तो आप इसको लीजिए और अपने जिस भी बाल में लीजिए और हल्का सा तेल अपने बाल पे इस तरीके से पूरी नीचे से जड़ से आप इसको मसाज कीजिए बालों को और एटलीस्ट आधे घंटे तक के लिए आप इसको रहने दीजिए उसके बाद अपने बालों को साफ़ पानी से धो लीजिए और ऐसा आप अगर कुछ बार करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो जू की प्रॉब्लम है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी दोस्तों प्लीज़ हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी इस तरीके की दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो हमसे पूछिए धन्यवाद दोस्तों